एचपी जीओ आई टी एग्जाम के कंप्यूटर सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कार्य और उसके विभिन्न प्रकार। सबसे पहले पढ़ते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। यह इसको हिंदी में हम संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है डाटा को इनपुट करना, उसको प्रोसेस करना और उसको आउटपुट के तौर पर प्रदान करना। तो चलिए थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपभोक्ता से डाटा या निर्देशों को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है और इनपुट डेटा को प्रोसेस करके उपभोक्ता को परिणामों के रूप में आउटपुट प्रदान करता है या डिस्प्ले प्रदान करता है। चलिए इसके निम्नलिखित कुछ कार्य पढ़ते हैं। इसके मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। कंप्यूटर को जो भेजे जाने वाली कमांड होती है या डाटा होता है उसको हम इनपुट कहते हैं। इसके बाद होता है प्रोसेसिंग। कंप्यूटर द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से की जाने वाली प्रोसेसिंग, जिसके परिणामस्वरूप आउटपुट प्राप्त होता है, उस प्रक्रिया को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। इसके बाद जो कार्य होता है कंप्यूटर का उसको कहते हैं आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को या रिजल्ट जो कंप्यूटर द्वारा डिस्प्ले किए जाते हैं उसको हम आउटपुट कहते हैं। इसके बाद जो चौथा उसका एक और कार्य है उसको कहते हैं स्टोरेज। विभिन्न स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क हो गए, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई आदि का उपयोग करके कंप्यूटर में जो हम परिणामों को सुरक्षित करते हैं उसको हम स्टोरेज भी कहते हैं। चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार। कंप्यूटर को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक हो गया बेस ऑन मैकेनिज्म, कार्य प्रणाली के आधार पर। इसके बाद हो गया उद्देश्य के आधार पर, बेस ऑन पर्पस। इसके बाद हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर, बेस ऑन साइज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेस ऑन मैकेनिज्म, कार्य प्रणाली के आधार पर। कार्यप्रणाली के आधार पर भी कंप्यूटर को इसमें तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर, उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे कि हम इस तस्वीर में देख रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर, ये हमारा दाब नापने और हाइट नापने ऐसे एनालॉग सिग्नल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर जो है एनालॉग डाटा या सिग्नल को लेता है इनपुट के तौर पर और इस एनालॉग को ही प्रोसेस करता है और आउटपुट भी एनालॉग के रूप में ही प्रदान करता है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग भौतिक मात्राओं को नापने के लिए किया जाता है, जैसे दाब हो गया, तापमान हो गया, लंबाई हो गया, ऊंचाई आदि कोई में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कंप्यूटर परिणामों को अंकों में व्यक्त करता है और ये कंप्यूटर दो परिणामों के बीच की तुलना भी करता है। ये इसका उपयोग हम विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी किया करते हैं और ये ग्राफ को के रूप में हमें आउटपुट प्रदान करता है। और इसकी जो मेमोरी होती है और स्पीड होती है बहुत कम होती है और ये अल्फा न्यूमेरिक को प्रोसेस नहीं करता और इसके लिए आरएफ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं, जैसे देख रहे हैं हम घड़ियाँ और आजकल के कंप्यूटर, उनको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करता है और डिजिट का अर्थ होता है अंक। यह कंप्यूटर लेटर, न्यूमेरिक और जो सिंबल स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनको लेता है और उसको व्यक्त करता है। ये कंप्यूटर डाटा को या प्रोग्राम को जीरो से अंक में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेता है और ज़्यादातर लोग इसका अर्थमेटिक ऑपरेशंस में डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जैसे कि प्लस करना, माइनस करना, जोड़ घटाओ और गुणा। और जो अभी के समय में कंप्यूटर लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे अकाउंटिंग मशीन हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सब हो गया। एनालॉग कंप्यूटर की तुलना में इसका परिणाम बहुत ज़्यादा सही और मेमोरी भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है और ये तेज गति के होते हैं। ये कंप्यूटर टेक्स्ट और ग्राफिक और पिक्चर के आधार पर हमें आउटपुट प्रदान करते हैं। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए, लैपटॉप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, एप्पल की स्मार्टफोन हो गया और ये IBM PC हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं और इसमें एनालॉग डाटा, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का दोनों का मिलाप होता है। इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों प्रकार के एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषता को जोड़ के बनाया गया है, जो कि एनालॉग की स्पीड और डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी और मेमोरी इसमें इस्तेमाल होती है।
इसका उपयोग ज़्यादातर हम पेट्रोल पंप पर करते हैं, जो कि ईंधन के प्रवाह को मापकर उसकी मात्रा और कीमत डिस्प्ले करता है। ये कंप्यूटर बाइनरी नंबर 0 से 1 के साथ एनालॉग सिग्नल को भी समझता है। ये